आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर, सरकार ने कच्चे तेल पर कस्टम ड्यूटी में की है कटौती। सरकार ने शनिवार को कच्चे पाम तेल के प्रभावी सीमा शुल्क को घटाकर 5.5% कर दिया है। इस कदम से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद मिलेगी। वे सरकार ने कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25% से घटाकर 5.55% किया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो तेल है उसके दामों में यहाँ पर कटौती होगी। वही एक आधिकारिक सूचना के अनुसार शनिवार को कहा गया है कि कच्चा जो पाम तेल उस पर अब 5% का कृषि अवसंरचना विकास उपकर यहाँ पर लगेगा, जो अब तक यहाँ पर 7.5% था। इसी कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25% की जगह 5.5% ही रह जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी धनवर्षा, 34% बढ़ेगा वेतन। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर फेस्टिव गिफ्ट मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता यानी डीए, महंगाई राहत यानी डीआर और आवास किराया भत्ता यानी एचआरए का सांस रोककर इंतजार यहां पर कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि आधिकारिक अपडेट जल्दी यहां पर आ सकता है। वही महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के बारे में यहां पर कई रिपोर्टें हैं। वही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा के बाद इससे और भी गति यहां पर मिली है। वही डीए में बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर होगी। वही वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 31% महंगाई भत्ता मिलता है और इसके लिए महंगाई भत्ते में 3% की और वृद्धि से कुल महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा। वही महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के यहाँ पर मूल वेतन है उससे यहाँ पर गुणा करके की जाती है। महंगाई भत्ते की गणना के अनुसार सरकार हर 6 महीनों में या उसके बाद डीए यहाँ पर बदलती है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। पिछले साल अक्टूबर में डीए 28% से बढ़ाकर 31% कर्मचारियों को यहाँ पर किया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो अब डाकघर के ग्राहकों को मिलेगी बैंकिंग इंडस्ट्री की बेस्ट सेवाएं, कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस। डाक विभाग के सचिव विनीत पांड्या ने कहा है कि बजट 2022 आवंटन से डाक विभाग के वित्तीय समावेशन संबंधी लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए बैंकिंग की सर्वोत्तम यहां पर प्रथाओं को लागू किया जा सकेगा। बजट की घोषणाओं के अनुसार 2022 में सभी देश के 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से यहां पर जोड़ा जाएगा, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के जरिए खातों तक यहां पर जो पहुंच है वो संभव हो सकेगी। इस कदम से डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसों का ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी। वह डाक विभाग के लिए यहाँ पर सकल बजटीय समर्थन वित्त वर्ष 2021-22 में 35,173 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट का अनुमान यहाँ पर मुकाबले 2022-23 में इसका 36,375 रुपए यहाँ पर बजट तय किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए आज से खुल जाएंगे स्कूल, पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में पहले के मुकाबले बहुत कमी आ गई है। ऐसे में सरकार सोमवार को एक बार फिर नर्सरी से लेकर 8वीं तक की इस कक्षाएं फिर से शुरू करने जा रही है। हालांकि क्लास में आने से पहले बच्चों को अपने साथ सहमति पत्र लेकर स्कूल पहुंचना होगा। वह सहमति पत्र होने से ही यहां पर स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को यहां पर प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ ही कोई भी यहाँ पर स्कूल बिना अभिभावकों की सहमति के बच्चों पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। बता दें आपको, इससे पहले यहाँ पर सोमवार को भी कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल यहाँ पर अगले सोमवार जो निकला सोमवार है उसको यहाँ पर खोल दिए गए थे। वही स्कूलों को खोलने को लेकर बीते दिनों दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों और बच्चों के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए थे। इसके तहत कोई भी स्कूल 1 हफ्ते तक पाठ्य पुस्तक लाने के लिए दबाव यहाँ पर नहीं बनाएंगे। वह स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह शिक्षकों को पहले दिन बच्चों और अभिभावकों के साथ गर्मजोशी के साथ पेश आना उनको होगा, साथ ही उनका पूरा सहयोग भी करना होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में घटते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दी है छूट, अब रात 11 बजे से लागू होगी पाबंदियां। यूपी में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय को बदल दिया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से यहां पर कर दिया गया है। वही कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में अब तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू था, अब इसको यहां पर 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य मूवमेंट पर प्रतिबंध रहेगा। वही सरकार अब कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए
जो नियम है उनमें यहाँ पर ढील दे रही है, जो कड़े प्रतिबंध लगाए गए उनमें ढील दे रही है। इससे पहले प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश दे दिया था। गुरु 14 फरवरी ने आज से यहाँ पर प्रदेश के अंदर जो सभी स्कूल है पहले से लगाकर 12वीं तक सभी स्कूल यहाँ पर यूपी में खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में यूपी में 1776 नए कोरोना केस यहाँ पर मिले हैं। वही मामलों में लगातार कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए अलर्ट, एनआरए ने दी है चेतावनी। फर्जी वेबसाइट कर रही है सरकारी नौकरी की पेशकश। देश में रोजगार की कमी के चलते हर वर्ग के लोगों में नौकरी पाने की होड़ यहां पर रहती है। खासकर सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं में खासा आकर्षण यहां पर देखा जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी हासिल करने का अपना एक प्रोसेस है जिसके लिए पहले परीक्षा यहाँ पर देनी होती है। लेकिन युवा हमेशा इससे जुड़े शॉर्टकट यहाँ पर तलाशते हैं, जिसका फायदा फर्जी वेबसाइट और ठग यहाँ पर उठा रहे हैं। इसके ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी NRA ने यहाँ पर लोगों से उनके नाम पर नौकरी की पेशकश करने वाली फर्जी वेबसाइट से बच के रहने की चेतावनी दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित यहाँ पर करती है। वही NRA ने यहाँ पर अपनी सार्वजनिक नोटिस के जरिए उन्होंने यहाँ पर यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ वेबसाइट NRA यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के लिए या उसके द्वारा यहाँ पर परीक्षा भर्तियों की पेशकश यहाँ पर कर रही है, इनके खिलाफ सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वेबसाइट पूरी तरह से झूठी है और फर्जी है। नोटिस में बताया गया है कि NRA ने अभी तक अपने कोई आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर वेबसाइट की घोषणा यहाँ पर नहीं की, यानी इसकी कोई आधिकारिक फिलहाल वेबसाइट नहीं है। चलिए बात करते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। पिछले 24 घंटों में देश में मिले हैं 30,792 नए कोरोना केस, 319 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। वही पिछले 24 घंटों में देश के अंदर कोरोना के 30,792 नए केस आए हैं। वही 83,000 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं, जबकि यहाँ पर 319 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। तीसरी लहर के पीक के बाद पहली बार मरने वालों की संख्या इतनी कम रही है। इससे पहले 27 जनवरी को देश में 310 लोगों की मौत हुई थी। वही नए केसों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। देश में कुल कोरोना केसों की संख्या हो गई है 4,26,00,000 के पार, तो कुल रिकवरी 4,16,00,000 पार हो चुकी है, तो कुल मौतें 5,08,000 से ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस भारत में फिलहाल 4,76,000 के आसपास है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 11,136 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, 32,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, 79 लोगों की मौत यहां पर हुई है। वही कल एक दिन पहले यहां पर 15,000 के आसपास नए कोरोना केस सामने आए थे, यानी शनिवार को ये केस आए थे। रविवार को कुल यहां पर 11,136 कोरोना केस मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,500 के आसपास नए केस मिले हैं। वही 17 लोगों की साझे मौत हुई है, 9,800 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। एक दिन पहले यहाँ पर 4,359 यहाँ पर नए कोरोना केस मिले थे, 32 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। वही MP में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,092 नए केस मिले हैं। वही 4,700 से अधिक लोग ठीक हुए, इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 2,438 कोरोना केस सामने आए थे, 6,200 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1,274 केस मिले हैं। वही 22 लोग कोरोना से यहाँ पर ठीक भी हुए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 1,676 नए कोरोना केस यहाँ पर मिले थे। वही यूपी पिछले 24 घंटों में 1,426 कोरोना केस आए हैं। वही 2,481 लोग ठीक हुए हैं। वही 7 लोगों की इस दौरान यहाँ पर मौत हुई है। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट यहाँ पर आ रही है। वही शनिवार को यहाँ पर 1,700 के आसपास कोरोना केस मिले थे। वही राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 2,100 के आसपास नए केस मिले हैं। वही 7 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 2,600 के आसपास नए केस राजस्थान में मिले थे। राजस्थान में भी लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो भी यहाँ पर राजस्थान में भी कम हो रहे हैं। वही यहाँ पर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 804 नए केस आए हैं, 12 लोगों की मौत हुई, 1,100 से अधिक लोग ठीक हुए। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 327 कोरोना केस सामने आए हैं, वही 11 लोगों की मौत इस राज्य में भी हुई है। वही 597 लोग ठीक भी हुए हैं। एक दिन पहले यहाँ पर 422 नए संक्रमित यहाँ पर मिले थे। अब कोरोना केसों में इस राज्य में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है, जो कि एक राहत वाली खबर यहाँ पर है।